तो आज रविवार का दिन है तो इसलिए हमने सोचा हम आपको लाल चौक दोबारा लेकर आते हैं और कश्मीर की डायरी में डिस्कस करते हैं लोगों के जो इस बार निर्दलीय जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। कौन कौन निर्दलीय हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार 44% निर्दलीय जो हैं वो फर्स्ट टू फेजेज में जम्मू कश्मीर के चुनावों में खड़े हो रहे हैं। तो दिलचस्प कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, कश्मीर की चुनावी डायरी में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इस बार चुनावों में निर्दलीयों की क्या भूमिका रहेगी, कि वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करेंगे। ये माना जा रहा है कि उनका रोल जो है अगली सरकार बनाने में क्रूशल होगा। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलीय जो हैं इस बार खड़े हुए हैं। कुल मिला के जो चुनाव आयोग का डेटा है उसके मुताबिक 214 लोग जो हैं 485 में से निर्दलीय हैं। पहले फेज में 92 हैं और दूसरे फेज में 122 निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं वो खड़े हुए हैं। निर्दलीयों की अगर हम बात करें तो AIP यानी अवामी एहतियात पार्टी, जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, उसने अभी तक 26 कैंडिडेट्स जो हैं वो चुनावी जंग में उतारे हैं। जो AIP है, आपको याद ही होगा, वो इंजीनियर रशीद की पार्टी है। इंजीनियर रशीद ने अभी लोकसभा चुनावों में बारामूला से यहाँ से उमर अब्दुल्ला को हराया था और हराया भी 3 लाख से ज़्यादा वोट से था। तो लोगों को लगता है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर जो है लोगों का रुझान ज़्यादा है, क्योंकि लोग पुरानी पार्टीज़ के ऊपर से अपना मन जो है उनका भर चुका है, उनकी सियासत को लेकर उनका मन भर चुका है। इसलिए लोग जो हैं वो न्यू कैंडिडेट्स चाह रहे हैं, नई तरह की चाह रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट जो हैं वो खड़े हुए हैं। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट फेज में 92 जो खड़े हुए हैं, पैम्पोर से 7 हुए हैं, त्राल से 6, पुलवामा से 7, 2 राजपुरा से, 4 जैनीपुरा से, 6 शोपियां से, 2 दबाल हांजीपुरा से, 4 कुलगाम से, 3 देवसर से, 4 डोरू से, 6 कोकरनाग से, 3 अनंतनाग वेस्ट से और 5 अनंतनाग से, 6 शांगुस से और अनंतनाग ईस्ट से, 2 पहलगाम से, 4 इंदरवाल से, 3 किश्तवाड़ और 3 जो हैं भदरवा, 3 डोडा और 2 डोडा वेस्ट, 5 रामबन और 2 बनिहाल से। तो सब जो हैं ये खड़े हुए हैं, लेकिन दिलचस्प यहाँ पे कहानी हम आपको आंकड़े दिलचस्प कहानी नहीं बताते हैं, कहानी बताते हैं कि जो श्री गुफवारा बिजवारा है, जो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है डिलिमिटेशन के तहत, वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट जो है वो खड़ा नहीं हुआ है। वहां से PDP की जो मुखिया हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो वहां पर खड़ी हुई हैं और वहां से कोई इंडिपेंडेंट जो है वो खड़ा नहीं हुआ। हालांकि अगर आप चुनाव आयोग के अफसरों से बात करो तो उनका कहना है कि पहले वहां से जमात ने ऑनलाइन पेपर्स जो हैं वो भरे थे, लेकिन फिजिकली सबमिट करने वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। हालांकि वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस से बशीर अहमद शाह वीरी खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से सोफी यूसुफ और जो है ये लोग खड़े हुए हैं। तो दिलचस्प कहानी यहाँ पर यह है कि जमात ने पहले कैसे भरा और वापस ले लिया। वहीं पर जो दूसरे चरण का जो मतदान होगा, कुल मिला के 122 इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं। गांधरबल से, जहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हैं, वहाँ से 7 इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं। हजरतबल से 5, 6 खानियार, 7 हबाकदल, 5 लाल चौक, 3 चांदपुरा, 8 ईदगाह और 8 सेंट्रल जो है शेषनाग और साथ में 5 बडगाम, 7 बीरवा, 4 खान साहेब, 5 चरारे शरीफ और 2 चाडूरा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हैं वो ईदगाह और ईदगाह से खड़े हुए हैं। और कुल मिला के EC का कहना है कि 19 इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि गांधरबल से, जहाँ से उमर खड़े हैं, वहाँ से 7 इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं और बडगाम से 5 इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं। तो क्या ये इंडिपेंडेंट्स इस बार चुनावों में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? लोगों का यही मानना है, पॉलिटिकल पार्टीज का यही मानना है और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट इस बार चुनाव जो हैं लड़ रहे हैं। हमने भी कुछ इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कुछ बातचीत की, हम उनसे भी आपको इस कश्मीर की चुनावी डायरी में मिलवाएंगे। लेकिन यहाँ की सियासत में जो एक बदलाव देखने को मिल रहा है वो बहुत दिलचस्प है। आतंकवादियों के ऊपर चर्चा की जा रही है कि आतंकवादियों को शोपियां से लेके जो है कठुआ रेप केस तक, अफजल गुरु तक, इन सभी के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो हैं बहसबाजी करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि इस बार जो यहाँ का आवाम है किस तरह की सरकार चुनता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आगाज है एक पुरअमन इनकलाब का, एक सियासी इनकलाब का और अच्छे और साजगवार कश्मीर का, ये आगाज था आज।
तो कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से क्या मुद्दा? जो मैंने पैनल सेक्रेटरी का जो मैंने यहाँ पे पैगाम पढ़ा उसमें आपने सुना होगा कि हम जो हिंदू बरादरी हैं उनके खाहा हैं कि वो यहाँ पे आए और या वो यहाँ पे अच्छी तरह से रहे। हम उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं, उनके घर हैं यहाँ पे, उनकी जायदादें हैं यहाँ पे, हम उनका खैर मकदम करते हैं। जिस तरह से अभी आज जमहूरी अमल में लोगों की शिरकत देखने को मिल रही है, क्या आप चाहते हैं कि आइंदा दिनों में जमात पे भी पाबंदी उठे और साथ में आप लोग मजीद उम्मीदवार खड़े करें? हम इसके साथ थे कि हमारी बहन अगर हट जाती तो हम हर जगह पे कैंडिडेट खड़े करते, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बहन नहीं हटाई गई, वरना आप लोगों का हुजूम देखते और एक मूवमेंट देखते, एक जमहूरी मूवमेंट देखते पूरे कश्मीर में, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बहन नहीं हटाई गई और आपने वो मूवमेंट नहीं देखी। लेकिन जिस तरह का आगाज आपने यहाँ पे आज देखा तो ये एक जमहूरी अमल था और इस जमहूरी अमल में आपने जो लोगों का सैलाब देखा शायद आपको पूरे कश्मीर में देखने को मिलता, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बहन नहीं हटाई गई। हम गुजारिश करते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम लोगों के ख्वाहा हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं, गरीबियों मोहताजों मिस्कीनों का भला चाहते हैं। हम पर से पाबंदी हटाई जाए, पुरअमन लोग हैं, अच्छे शहरी हैं और अच्छे शहरियों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों का भला किया जाए। हम उसी काम के लिए बने हैं और वही काम करना चाहते हैं। में आपके चार उम्मीदवार हैं, क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें लगा दी है हमने इनके साथ रखी हैं, इनके साथ हम कोशिश करेंगे। हम कोई दावा नहीं करते और पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, लेकिन वतुजु मंतशा वतुजिल्लु मंतशा। सर, पिछले दिनों में पुलवामा में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन लोगों की शिकायत है कि हमारे पास कोई बड़ा अवसर नहीं आया, क्या वजह? देखिए, हमने यही कहा है कि आज तक जो इस्तेसा लोगों के साथ हुआ है, हम मैदान में नहीं थे, हमसे मैदान छीना गया था और एक सूची साजिश के तहत हमको मैदान से बिहाइंड द कर्टेन्स कर दिया गया था, मार्जिनलाइज कर दिया गया था, पुट द वॉल कर दिया गया था। अब हम फिर से आ गए, अब शायद शिकायत नहीं रहेगी, हमारे लोग काम करेंगे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि जब वोट लेने का टाइम होता है ये लोग आ जाते हैं, लेकिन बाद में मिलते नहीं हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। आप 40 साल के जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं उनकी शिकायत कर रहे हैं, शायद आप 5 साल के बाद जब हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो ये सवाल हमसे करेंगे। कश्मीर की चुनावी डायरी में आज मेरे साथ लाल चौक से इतना ही। नमस्कार।